अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मानता हूँ काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है, बट आपको बताता चलूँ क्योंकि आपको पता है कि एक दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है, आप लोगों को दूसरा प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। अभी राव का जो है वो है मौजूद है, अभी कहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर राव का? हाँ, वो है DHA रसूल, क्योंकि हमें वहाँ पर एक वीडियो बनाने जानी है, क्योंकि वीडियो एक हमारी इनकम्प्लीट रह गई थी, पेंडिंग पर है, उसको जाके कंप्लीट करना है। और आज गाँव बाहर गाँव में है, ठीक है, फैमिली भी गाँव में, तो आज दोपहर का खाना बनाएंगे राव बकार के साथ, तो चलते हैं राव बकार से मिलते हैं, ठीक है। और देखना जब अकेले जा रहे हैं वहाँ का रास्ता मिलता भी है या नहीं मिलता, तो बाकी चल के आपको बताते हैं। फखरे मुल्तान को जरूर सब्सक्राइब करें, फखरे मुल्तान। कैमरा निकाल दी, मेरी बात पूरी नहीं हुई, ये टीम है पूरी, आप ये देखें, ये के को लड़ने लग गए राव बकार हमसे। अम्मा डेंदी खड़ी है, चल रहा यार पूरा तेरे रोने की हंसी, तेरे रोने से मेरी हंसी जमती है। कैमरा चल रहा है, चल इसके रोने से मेरी हंसी निकल जाती है यार। यार ये गलती मुझे जरूर देनी है, वीडियो वाली गलतियां मैं इसे एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जो हम दोनों चैनल पे लोड करेंगे, तेरे पे भी अपने पे भी। अच्छा यार एक मिनट सीरियस हो जाओ यार, आप सीरियस यार, आंसू भी निकले मेरे को यार, ये साला हंसने लग जाता है। हाँ मैं ये खा रहा हूँ। तो मुंह पर वीडियो चल रही है, तो मुंह पर कर ले, अपना मुंह पर कर ले, शाबाश चल। बख्तों वाली ए भलिए लोग, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? हमारे घर के दरख्त से बंदा फल तोड़ रहा था। तो वो बंदा कौन था, रो क्यों रही हो? मैंने उससे पूछा कौन हो तुम, कहता मैं रिस्क का फरिश्ता हूँ, तो यहाँ से रिस्क लेके कहीं और जा रहा हूँ। मैंने पूछा किसका रिस्क लेके जा रहे हो, कहता जो तुम्हारे घर मेहमान आया था उसका रिस्क लेके जा रहा हूँ। बेगम मेरी बात सुनो, मैंने भी अपने दोस्त के लिए खाना हमसायों के घर से तैयार करवाया है, तुम्हें कितनी यार लोग क्या ये कैमरा लग रहा रहती जा रहे हैं। लिए फल ले गए फल जा रिश्ता, क्या खाना रहे हो? फल मैं हमसायों के से लेके आया हूँ। हाँ चल भलिए लोग के शुरू हो जाए, अब भलिए लोग एडिट कर दिए रो, तो भलिए लोग के
मैं भी मेहमान के लिए फल हमसायों के दरख्त से लेके आया हूँ, ठीक है, हमसायों ने दिए। अब खामोशी से मेरी बात सुनो, मेहमान जब घर में आता है तो बरकत आती है, मेहमान अपना रिस्क साथ लेके आता है। आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करनी कि मेहमान आए और तुम खाना ना बनाओ। नहीं, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। अच्छी बात है, अच्छी बात है, शाबाश शाबाश शाबाश, मुझे सबक मिल गया। हाँ, सबक मिल गया ना तुम्हें कि मेहमान की कदर करने से रिस्क बढ़ता है, ठीक है।